हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम गणपति पेंटिंग के बारे में वीडियो बना रहे हैं। तो वीडियो में हम पूरा स्टार्टिंग से एंड तक सब दिखाएंगे कि कैसे कलर करते हैं, ऐसा गोल्डन वगैरह सब दिखाएंगे। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर से आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बॉडी को वाइट कलर पेंट करते हैं वो स्प्रे से। तो उससे क्या होता है, जो आगे हम कलर लगाने वाले रहते हैं तो अच्छे से बैठता है उस पर, तो जो कलर वो आगे के रहते हैं वो अच्छे से उभर के आते हैं। तो उसके बाद हम बॉडी कलर लगाते हैं, मतलब बॉडी कलर मतलब स्किन कलर जो गणपति को रहते हैं वो लगाते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते। गाइस, मुझे पता है कि वीडियो थोड़ा फास्ट हो गया है, लेकिन मैंने आगे वीडियो में आगे इसका ध्यान रखा है कि वीडियो थोड़ा मतलब सही से रहे, तो इसके लिए सॉरी। इसमें यहाँ एक एक गणपति को बॉडी कलर कर रहा हूँ। अगर आप घर पे ये कर रहे हो तो ज़रूर से मास्क लगाओ और अपनी सेफ्टी रखो, तो जिससे कि कलर अंदर नहीं जा सकते अपने बॉडी के। तो यह गणपति रेडी हो गए हैं, मैंने बॉडी कलर लगा के सब रख दिए, अभी आप देख सकते हैं। सो गाइज, अभी मेरा भाई गणपति पे शेडिंग कर रहा है। तो शेडिंग मतलब आपको बता देता हूँ, शेडिंग मतलब जो गणपति के जो स्किन के पार्ट्स रहते हैं, जैसे कि हाथ के फोल्ड्स वगैरह, उसमें हम ऑरेंज पाउडर से फिल करते हैं, जिससे कि ऐसा लगे कि वो फोल्ड है। वैसे मेरे भाई को ये काम पसंद है, तो वो वीडियो के लिए वो कर रहा था। मेरे भाई का नाम ऋषभ है, तो उसे ये शेडिंग का काम बहुत पसंद है, तो इसलिए वो कर रहा था, उसको वीडियो में आने का था, इसलिए मैंने ये लिया वीडियो। वैसे मेरे भाई ने मेरे ये इस चैनल पे एक टाइम मशीन क्राफ्ट का वीडियो बनाया है, वो जो डोरीमोन का रहता है, तो अगर आपको देखना है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देख सकते। तो मेरा भाई पूरा जितना भी जो स्किन का जो फोल्ड्स वगैरह रहता है उसमें बराबर से शेडिंग कर रहा है, और जो एक्स्ट्रा जो रहता है उसे वो ग्लो कर दे रहा है। तो ये जल्दी से कंप्लीट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो गाइज, हमारा गणपति शेडिंग करके हो गया, आप देख सकते हैं। सो गाइज, अभी कलर की बारी है, तो हम कलर में प्लेन वॉश करते हैं, जैसे कि हम पीतांबर को अगर ऐसा पीतांबर शैला सबको ऐसा कलर लगाते हैं, तो आपको वीडियो में देखने मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। गाइस, कलर वगैरह सब रेडी करके रखे, तो इसमें हम येलो, पिंक, ग्रीन, वायलेट, ब्राउन ऐसे अलग अलग टाइप के कलर बना के रखते। तो अभी मैं गणपति को पीतांबर को येलो कलर दे रहा हूँ, तो अच्छा लगता है, क्योंकि मोस्टली गणपति को येलो, पीतांबर और पिंक शैला रहता है, तो ज़्यादातर लोगों को पसंद रहता है, तो हम वो करते। अगर अलग कुछ होगा तो हम अलग टाइप का कलर करते। तो मैं येलो लगा ले रहा हूँ जल्दी से पीतांबर को, ये एकदम डार्क नहीं गिरना चाहिए ऐसा करते, क्योंकि अगर स्किन वगैरह को डार्क लगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। हमें कट टू कट लगाने की कोशिश करते, जिससे कि गणपति अच्छा लगता है। अभी हम शैला को पिंक कलर दे रहे, वो भी अच्छे से डिटेल में विदाउट डार्क लगाते। गाइस, में कुशन जो गणपति उस पर बैठे उसको मैं वायलेट कलर दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। अभी मैं बालों को जो ब्राउन कलर रहता है वो दे रहा हूँ, मतलब डार्क ब्राउन टाइप का कलर है वो दे रहा हूँ। इसमें भी कट टू कट लगाना पड़ता है, अगर कहीं दाग लग गया तो अच्छा नहीं दिखेगा। मैं जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ, तभी ये गणपति रेडी हो गया। आप देख सकते हैं कि प्लेन वॉश लगा के अपना गणपति रेडी हो गया। यानी के थे मेरा फ्रेंड जो मुझे गणपति कलर करने में हेल्प कर रहा है। गाइस, अभी हम मेन शेडिंग शुरू करेंगे जो मेरे पापा करते हैं।
तो आपको सब देखने मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, ये सब कलर्स है जो हम गणपति की शेडिंग में यूज करेंगे, जैसे कि पिंक है, फिर ये पिंक कलर बना रहे पापा, फिर वायलेट है, येलो है, ग्रीन है जो डार्क है। अभी मेरे पापा इस पर थोड़ा शाइनिंग आने के लिए गणपति पर वो स्प्रे कर रहे, तो जिससे आपने देखा होगा गणपति पे जो शाइन रहते हैं तो इसी के वजह से आते हैं, तो इसके वजह से गणपति में एक अलग सी जान आ जाती है, गणपति एकदम डिफरेंट मतलब अच्छे लगने लगते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा चेंज प्लेन वॉश में और इसमें, तो मेरे पापा ये कर रहे हैं। तो ये करने के बाद हम शेडिंग स्टार्ट करेंगे, जो स्किन की शेडिंग रहती है ऑरेंज, आपको अगर नहीं पता होगा तो हम स्किन पे देते हैं, तो ये सबको देके मतलब स्किन का होने येलो को जो पीतांबर है उसे देंगे, फिर जो शेला है पिंक उसे देंगे, फिर जो आईज में ऐसे ऐसे करके स्टेप बाय स्टेप गणपति आगे गणपति की शेडिंग आगे बढ़ती है। येलो की शेडिंग स्टार्ट कर लिया मेरे पापा ने, आप देख सकते हैं कि शेडिंग करने के बाद एक बहुत अच्छा लुक आ जाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है गणपति। ऐसे ही सबका शेडिंग होने के बाद गणपति की शेडिंग की जो प्रोसेस है वो हो जाएगी। गाइस अब बालों की जो ब्लैक कलर की शेडिंग है वो कर लेते हैं, और अभी जो अपना गणपति है जो शेडिंग करके हो गया। गाइस अभी मेरे पापा आखनी काम शुरू कर रहे हैं, आखनी काम मतलब जो आईज वगैरह रहते हैं ना, जैसे कि आईज फिर जो गंदा वगैरह रहता है उसे हम आखनी काम कर बोलते हैं, तो वो मेरे पापा करते हैं, तो चलो देखते। तो पापा मेरे सबसे पहले ब्लैक कलर से जो आउटलाइन रहते हैं आँखों में वो कर ले रहे, फिर जो आईब्रोज है उसके लिए एक छोटा सा निशान करके रखा है जिससे वो आगे आईब्रोज बनाएंगे। अभी पापा मेरे पापा आईब्रोज बना रहे आप देख सकते, ये काम बहुत डिफिकल्ट रहता है, को बहुत ध्यान से करना पड़ता है। अभी मेरे पापा जो आँख का जो सेंटर का पोर्शन रहता है जो उसे ब्राउन कलर से कर रहे हैं, ये आप देख सकते हैं। अभी जो ब्लैक ब्राउन करके हो गया, अभी उसके बीच में जो अपना आंखों में आपने देखा होगा कि रहता है वो ब्लैक पोर्शन कर रहे हैं, फिर अभी उसके बाद थोड़ा सा उसको मिक्स करेंगे। अभी मेरे पापा ने वो दोनों को प्रॉपरली मिक्स करके लिए, अभी उसके बाद उसके जो साइड में आउटलाइन करेंगे, आप देख सकते हैं कि आउटलाइन किया है। और ये होने के बाद दूसरे साइड भी ऐसा ही सेम कर लेते। अभी जो आंखों में आपने देखा होगा कि शाइन, तो शाइन दे रहे जो व्हाइट कलर में,
दोनों साइड देने के बाद जो अपना वाइट पोर्शन रहता है वो कर लेते। अभी तकरीबन रेडी हो गए, लेकिन अभी जो और डिटेल्स कुछ बाकी है वो आप आगे देखेंगे। ये ईयर्स के लिए और इसके बाद दूसरे साइड करने के बाद जो दांत के ऊपर जो अभी आप देखेंगे स्क्रीन पे, दांत के ऊपर का जो पोर्शन है उसे ऑरेंज कर दिए। अभी ये जो गंदा है, मुझे हिंदी में पता नहीं क्या बोलते हैं तो इसलिए मैं गंदा बोल रहा हूँ। तो गंदा के लिए दो पोजीशन जैसे करके रखे, इसके बाद में वो डिटेलिंग करेंगे। भी ये सूट के ऊपर जो लाइन रहती है वो बनाते। ये कुछ डिटेल्स और जो गंदा है उसके ऊपर भी अभी डिटेल करेंगे तो आपको देखने मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत डिफिकल्ट रहता है, मतलब आजू बाजू में दाग नहीं लगना चाहिए, पूरा ध्यान से करना पड़ता है। और ये कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं, इससे ये कुछ डिटेल्स रहते हैं, इसके वजह से ही वो ऊपर के आते हैं मूर्ति। तो ये आखिरी काम हो गया। अभी कुछ लोगों को डार्क कलर पसंद रहते हैं तो उनके लिए मैं डार्क कलर कर रहे हैं। अब जो प्रोसेस है उसे हम शेंद्री बोलते हैं। तो इसमें जो गहने रहते हैं, गहने के जो भी पार्ट्स रहते हैं उस पर हम ऑयल पेंट लगाते हैं। ये इसका भी एक रीज़न है क्योंकि उसके बाद हम जब गोल्डन लगाते हैं तो गोल्डन जो मिट्टी है वो सोख लेता है। तो ऐसा नहीं होने के लिए पहले ये ऑयल पेंट लगाते, फिर उसके बाद हम गोल्डन लगाते। तो ये इसका रीज़न है। तो ये शेंद्री लगा के हो गए, आप देख सकते हैं। अभी हम जो गणपति के गहने रहते हैं उसे हम गोल्डन लगाएंगे। तो जैसे कि मुकुट रहते हैं, गले की माला, जो कड़ा रहता है हाथ में, वो सबको गोल्डन करेंगे, फिर हमारा गणपति तकरीबन रेडी हो जाएगा। तो गाइज अब हम गणपति का जो गोल्डन है उस गहने पे लगाने के लिए वो गोल्डन कलर की तैयारी करते हैं। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे और ज़्यादा थिक नहीं बनाएंगे और ज़्यादा थिन नहीं बनाएंगे, मीडियम में बनाएंगे। फिर इसे हम अच्छे से लगाएंगे, जो मुकुट है फिर गहने हैं उन सबको अच्छे से लगाएंगे। और अपना ये होने के बाद अपना गणपति रेडी हो जाएगा। इसके आगे भी प्रोसेस रहती है, कुछ लोगों को डायमंड चाहिए तो वो ऑर्डर के हिसाब से हम करते हैं। और जो विट्ठल गणपति और जो मेंढपाळ गणपति और बहुत सारे गणपति हमने जो बनाए हैं उसके भी वीडियोस आने वाले, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, वो आएगा। तो उसमें हम डायमंड्स वगैरह और बाकी बहुत कुछ भी लगाने वाले। तो देखने के बाद आपको बहुत अच्छा लगेगा कि अब अच्छा वीडियो हुआ है। तो ये होने के बाद अपना गणपति रेडी हो जाएगा। ये जो कान में जो है बाली उस पर हम गोल्डन कर रहे हैं और अभी कुछ फाइनल टच बाकी है और इसके बाद अपना गणपति रेडी हो जाएगा। तो गाइज अपना गणपति रेडी हो गया है। हाँ, इसके भी आगे थोड़ी प्रोसेस रहती है, वो हम विट्ठल गणपति और जो मेंढपाळ गणपति है ना, जिस जो हमने बनाने का पूरा वीडियो बनाया उसमें हम दिखाएंगे। तो ये रहा फाइनल गणपति।
सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, और आपको जो कमेंट्स में आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। बाय।